Hello and welcome to N Knowledge Junction. Today in this video, we will be discussing about the Tiger Census of 2018, which is published in 2019, which is, I think, important topic from the examination point of view. And the changes, whatever have undergone in this census, we will be discussing about that. So, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट है. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट. टाइगर सेंसस के अंदर हम अपने कंटेंट्स में देखते हैं, तो कंटेंट्स में हम पढ़ेंगे अबाउट टाइगर सेंसस रिपोर्ट. टाइगर सेंसस रिपोर्ट होती क्या है, उसकी मेथडोलॉजी क्या है, कैसे बनाई जाती है. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अनदर पॉइंट कॉल एम स्ट्राइप्स टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए. उसके बाद जो इस 2018 की सेंसस आई है, टाइगर सेंसस, उसकी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे. एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेजर्स, जो भी चीजें की गई हैं इंक्रीज, जिसकी वजह से जो प्रैक्टिस में लाई गई हैं, जो चीजें जिसकी वजह से टाइगर का कंजर्वेशन हुआ और उसकी पॉपुलेशन बढ़ी. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. फर्स्ट इज टाइगर सेंसस रिपोर्ट. टाइगर सेंसस रिपोर्ट होती क्या है? ये टाइगर सेंसस रिपोर्ट जो है एक वैसी रिपोर्ट है जो हर 4 साल पे पब्लिश की जाती है. और ये रिपोर्ट 2006 में स्टार्ट की गई थी. सबसे पहली रिपोर्ट 2006 में आई थी, फिर 11 में, फिर 14 और देन 19 में पब्लिश की गई है. तो जो 2006 में ये रिपोर्ट का, एक्चुअली 2006 में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान में है, वहां की जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो जीरो हो गई थी. तो उसको उस कंसर्न की वजह से कंजर्वेशन लॉन्च किया गया, जो सेंसस लॉन्च की गई, सो दैट कि हमें इन्फॉर्मेशन पहले ही पता लगे कि कहां टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है, कहां इंक्रीज कर रही है. इंक्रीज कर रही है तो क्यों कर रही है, डिक्रीज कर रही है तो क्यों. इसलिए सेंसस लाया गया ताकि हम एक एनालिसिस कर सके ईयर बाय ईयर. तो इसलिए 2006 में ये रिपोर्ट लाई गई और हर 4 साल पे पब्लिश की जाती है. जो 2019 में पब्लिश की गई है वो फोर्थ वन थी, फोर्थ टाइगर सेंसस रिपोर्ट थी. और ये 2018 की थी, हालांकि 2019 में पब्लिश की गई. और ये जो सेंसस है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के द्वारा फंड किया जाता है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर आता है. और इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1982 इन देहरादून. एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन इट इज, दैट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इट ऑल्सो ऑफर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोर्सेज, एडवाइजरी कोर्सेज. वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट के लिए जो कोर्सेज होती है वो प्रोवाइड करता है. नाउ कम टू अनदर टॉपिक विच इज सेंसस मेथडोलॉजी. अब इस सेंसस को बनाने के दौरान किन किन मेथड्स का प्रयोग किया जाता है वो. तो सबसे पहला मेथड है डबल सैम्पलिंग, विच इज बेस्ड ऑन ग्राउंड बेस्ड सर्वे. ग्राउंड बेस्ड, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रही है, सर्वे होती है, क्या तो कैमरा कैप्चर के थ्रू, या फिर पग मास्क के थ्रू, या स्टैक्स के स्कैट के थ्रू, इन चीजों को यूज करके किसी टाइगर का पता लगाया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड बेस्ड सर्वे. इसके वो उस सर्वे के बेसिस पे डबल सैम्पलिंग की जाती है, तो वो कैमरा ट्रैप्स के मदद से. और जो 2018 की सेंसस है उसमें 83% जो टाइगर्स सेंस्ड किए गए हैं वो इंडिविजुअली फोटोग्राफ्ड, कैमरा के थ्रू इंडिविजुअली फोटोग्राफ्स टाइगर्स थे. पहला स्टेज में ग्राउंड लेवल पे ही सर्वे किया जाता है, और पहला दूसरा स्टेज में ग्राउंड लेवल पे सर्वे किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, या तो वो कैमरा की पिक्चर्स के थ्रू हो जाएगा, या फिर पग मार्क्स के थ्रू, या स्कैट के थ्रू, स्कैट के थ्रू. और इन फेज थर्ड जो होती है इनमें, वो एक डिजिटल मेथड होती है. इन्फॉर्मेशन को प्लॉट किया जाता है ऑन फॉरेस्ट मैप, एंड दैट मैप इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग मेथड, एंड दैट इज कॉल्ड GIS, एंड दैट्स नेम इज एम स्ट्राइप. नाउ कम टू द 2018 टाइगर सेंसस रिपोर्ट. उसके कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं. तो सबसे पहला हाईलाइट यही है कि इंक्रीज हुआ है टाइगर का नंबर, और काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है. 2014 में ये 2226 था, जो बढ़ के 2967 हो गया. और
सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है उस वो स्टेट वाइज अगर देखे तो महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश में हुई है। 526 टाइगर्स वहाँ पे पाए गए हैं, और सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटक विथ 524, एंड और जो थर्ड थर्ड स्टेट है वो है उत्तराखंड विथ 442 टाइगर्स। नाउ कम टू अनदर पॉइंट, और अदर पॉइंट्स देखते हैं इसमें जो ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स हुई हैं 2018 की रिपोर्ट में। जैसा मैंने बताया, मध्य प्रदेश हाईएस्ट है 526 टाइगर्स के साथ, कर्नाटका 524 के साथ सेकंड पे है, उत्तराखंड 442 के साथ थर्ड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन में। और फाइंडिंग आई है अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम में 190 टाइगर्स दर्ज किए गए हैं विद द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन। सबसे हाईएस्ट असम में ही पाए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। एंड देन कम्स टू टाइगर टाइगर पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम। ये पाया गया कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो गिरी है, फेल इन छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम। एंड देर इज नो चेंज इन टाइगर पॉपुलेशन इन उड़ीसा। उड़ीसा में कोई भी चेंज दर्ज नहीं की गई है, देख सकते हैं आप, उड़ीसा में कोई भी चेंजेस दर्ज नहीं की गई हैं। और जैसा कि हमने देखा, असम में सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद टाइगर पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ मिजोरम की घटी है, और नो चेंज टाइगर पॉपुलेशन पाए गए हैं उड़ीसा में। नाउ कम टू अनदर स्लाइड, उसमें हम देखते हैं कि और क्या क्या चेंज फाइंडिंग्स हैं। तो ये पाया गया है कि इंडिया इज नाउ होम टू 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर। जितने भी दुनिया में, विश्व में जितने भी टाइगर्स हैं, उसमें 70% टाइगर्स पाए गए हैं इंडिया में फॉल करते हैं, इंडिया में रिसाइड करते हैं। एंड नाउ द कंट्री हैज, आवर इंडिया हैज 2967 टाइगर्स विथ अ राइज ऑफ 33% ओवर 30, जितने 2014 में फिगर थी 2226, उसमें 33% की छलांग लगाई है इंडिया ने टाइगर के ग्रोथ में, वो अब हो गई है बढ़ के 2967। और छत्तीसगढ़, जैसा कि हमने बताया, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में कोई टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, घटी है, और उड़ीसा में कोई टाइगर के पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं पाया गया है। और देखते हैं, सबसे ज्यादा हमने देखा कि मध्य प्रदेश में पाया गया है ग्रोथ हुई है, टाइगर का इंक्रीज हुआ है, तो उसमें भी मध्य प्रदेश में भी कौन से नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में हुआ है, तो जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहां सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। एंड सेकेंड है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु, रजिस्टर द मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट्स इन 2014। 2014 में वहां की पॉपुलेशन बहुत कम थी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में, बट इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखी गई है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, इसलिए इसको बेस्ट टाइगर रिजर्व का भी अवार्ड दिया गया है। नाउ इन बुक्सा, दम्पा एंड पलामू, बुक्सा हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में, दम्पा इन मिजोरम, एंड पलामू इन झारखंड। इन टाइगर रिजर्व्स में देर इज नो ट्रेसेस ऑफ एनिमल फाउंड, इन टाइगर रिजर्व्स में टाइगर है ही नहीं, एंड द रिपोर्ट डजंट कंटेन, और इस रिपोर्ट में सिर्फ टाइगर को ही कवर किया गया है। इसमें लेपर्ड, टाइगर की जो फैमिली होती है कैट फैमिली, उसमें लेपर्ड भी आता है, उसको कवर, अदर प्रेडेटर्स, मतलब अदर प्रेडेटर टाइगर के अलावा, उनको कवर नहीं किया गया है लाइक लेपर्ड्स। नाउ कम टू अनदर पॉइंट, दिस इज शोइंग द रीजंस एंड द टाइगर पॉपुलेशन सेंसस इन 2018। तो देखा जाए तो हमारे टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो तीन रीजन में पाए जाते हैं इंडिया में, सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट्स को एक तरफ एक कैटेगरी में रख दिया, देन अनदर कैटेगरी इज वेस्टर्न घाट, एंड द थर्ड वन इज शिवालिक गंगा प्लेन। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट्स को मिला के है, जो है 1033 टाइगर्स सेंट्रल इंडिया और लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट। इसी के अंदर आ जाता है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि सबसे ज्यादा 526 तो मध्य प्रदेश में ही है। एंड देन वेस्टर्न घाट्स में 981 सेकेंड नंबर पे है, और शिवालिक गंगा प्लेन में 646 है, इसलिए टोटल इंडिया में 2967 है। नाउ कम टू अनदर स्लाइड, मेजर्स दैट लेड्स टू इंक्रीज इन
टाइगर पॉपुलेशन. वैसे क्या 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 चीजें अपनाई गई जिसके कारण टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कंसर्न्स क्या क्या हैं. अभी भी चैलेंजेस हैं कुछ कुछ, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं जो भी मेथड्स अडॉप्ट किए गए जिनकी वजह से इंक्रीज हुआ. तो सबसे पहला है, मेनी स्टेट्स डिप्लॉयड टाइगर स्पेशल टाइगर फोर्सेस टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज पोचर्स. जो भी पोचिंग में इन्वॉल्व लोग होते थे उसके लिए सभी स्टेट्स ने क्या किया, स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन किया. स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन की वजह से दिस ये जो फोर्स गठन की गई उसकी वजह से ऑर्गेनाइज्ड पोचर्स तो जो थे, पोचिंग कम हुआ है बेसिकली. टाइगर्स की ट्रेडिंग करते जो किल करके, उन चीजों में कमी आई है. दूसरा है कि जो विलेजेस नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स के आसपास थी, जो उनको रीलोकेट कर दिया गया. 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को, फैमिलीज को रीलोकेट किया गया, मूव कराया गया, ताकि क्रिटिकल हैबिटेट्स जो हैं आसपास के वो डिस्टर्ब ना हो. क्योंकि सबसे कोई भी चीज की एंडेंजर्ड और लॉस्ट होने का क्राइटेरिया यही है कि उनकी हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हैबिटेट का लॉस हो रहा है. तो हैबिटेट को सेव करने के लिए ही इन विलेजेस जो आसपास की थी, नेशनल टाइगर रिजर्व्स के आसपास, नेशनल पार्क्स के आसपास, उनको रीलोकेट कर दिया गया. तो फ्रॉम 28 इन 2006 द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स 26 से 28 2006 में था, अब हो गया 50 टाइगर रिजर्व इन 2018. तो ये टाइगर रिजर्व्स के नंबर्स भी बढ़े हैं. नाउ कंसर्न क्या क्या अभी भी हैं इन चीजों को अडॉप्ट करने के बावजूद भी, देयर आर सम कंसर्न्स. तो सबसे पहला कंसर्न है कि फास्ट रिड्यूसिंग फॉरेस्ट कवर घटती जा रही है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, बीच में रोड्स बन रहे हैं जिसके कारण हैबिटेट लॉस हो रहा है. तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो हो रही है, हैबिटेट का जो ब्रेकेज हो रहा है किसी भी एनिमल के लिए रहने के लिए, उसकी जो हैबिटेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो फ्री मूव करने के लिए हैबिटेट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो फ्री मूवमेंट नहीं हो पाती है, तो जिसके वजह से हैबिटेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फ्रेगमेंटाइजेशन हो रहा है, फ्रेगमेंट्स में हो जा रहे हैं. तो उनको बहुत कम जगह मिल रही है घूमने फिरने के लिए. तो इसकी वजह से दूसरा फॉरेस्ट कवर तो है ही, ग्रीन कवर भी घट रही है. हैबिटेट रिच टाइगर सेचुरेशन पॉइंट आ गया है. जितने भी हैबिटेट्स अवेलेबल हैं जितने टाइगर अवेलेबल हैं उससे ज्यादा की कैपेसिटी नहीं रखते कि सपोर्ट कर पाए उनके लिवलीहुड्स को. नाउ कम टू दिस मैप. इसमें सारे जितने भी टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में वो सारे प्लॉट किए गए हैं. तो हम कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं. जैसे कि मध्य प्रदेश में देखते हैं, काफी बड़ा एरिया है ये, क्योंकि 526 टाइगर रिजर्व यहीं पाए गए हैं. तो सबसे पहला है पन्ना, देन कम्स पेंच. पेंच में हमने बताया सबसे ज्यादा यहीं पे टाइगर रिजर्व पाए गए हैं. देन बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश ओनली. देन सरिस्का इन राजस्थान, रणथंभौर इन राजस्थान. देन पीलीभीत इन उत्तर प्रदेश, दुधवा इन ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश, कॉर्बेट इन उत्तराखंड, बुक्सा इन वेस्ट बंगाल, मानस इन मानस, काजीरंगा एंड नामेरी इन आश्रम, पक्के एंड नामधापा दे आर इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज वेल एंड टाइगर रिजर्व एज वेल. दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव बीन आस्क्ड कंटिन्यूअसली इन एग्जाम्स, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्के एंड नामधापा इन अरुणाचल प्रदेश, दम्फा इन मिजोरम, एंड इन साउथ में देखे तो पेरियार इन केरला, अन्नामलाई इन तमिलनाडु, मुद्दुमलाई इन तमिलनाडु, नागरहोल इन कर्नाटका, भद्र इन कर्नाटका, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. सत्यमंगलम एक्चुअली ये बाउंड्री पे है, तो तमिलनाडु कर्नाटका दोनों शेयर करते हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. ये भी काफी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में हमने पढ़ा कि तमिलनाडु में लाई करता है, और इसने सबसे ज्यादा ग्रो किया है. टाइगर रिजर्व की ग्रोथ जो हुई है इस ईयर, और इसलिए बेस्ट टाइगर रिजर्व का भी अवार्ड इसी को दिया गया है इस साल का. इसी तरह से है पेंच महाराष्ट्र में, बोर महाराष्ट्र में, इंद्रावती. इधर देखते हैं तो सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में आ जाएगा,
अचनाकमर ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इन दो जगहों पे टाइगर का फॉल मतलब टाइगर की नंबर घटे हैं ये दर्ज किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। सो हैव अ टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।